ये जो सारा मैस आप देख रहे हो इधर इधर। चलो गाइज, मैं ये निपटाती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। गाइज गुड मॉर्निंग, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज है थर्सडे, बज रहे हैं सुबह के 10 एंड आई हैड माई शावर। बस अब करेंगे नाश्ता एंड करेंगे स्टार्ट डेली चोज। माई मेड इज ऑन लीव, मेड हैज गॉन फॉर 10 डेज की छुट्टी। नॉट 10 डेज, उसने कहा 10 to 15 डेज, कब वापस आएगी वी हैव नो क्लू। सो वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग ऑल बाई आर सेल्फ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग। पोस्ट ब्रेकफस्ट किचन का कुछ ऐसा हाल है। ये बच्चों ने यहाँ पे नारियल पानी ओपन किया था पीने के लिए, ऐसे ही छोड़ दिया। ओह गॉड, आई एम मिसिंग माई मेड सो बैडली। सो मैं कर रही हूँ किचन साफ, बर्तन, आई वॉश द डिशेज फर्स्ट एंड देन आई विल आई एम मेकिंग समथिंग वेरी वेरी सिंपल, वेरी बेसिक लंच, क्योंकि ये सारे काम मुझे निपटाने हैं। सो फाइनली गाइस, किचन क्लीन हो गई, सारे डिशेस वॉश कर दिए, लंच प्रिपरेशन हो गया। अब मैं लंच के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मैं जा रही हूँ रूम में और यहाँ चल रही है धीर की कीबोर्ड क्लासेस। उसके सर आए हुए हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसका एग्ज़ाम है। तो शाम की चाय वगैरह सब निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और बन रही है ये ककड़ी की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, अभी अभी दोबारा मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी रील एक शेयर की थी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम मेकिंग फॉर डिनर। इसके दिस विद फुलकाज एंड आमरस, स्टेपल समर फूड है ये हमारा। तो यहाँ गाइस, जब तक रात की सब्ज़ी वगैरह रेडी हो रही है, मैं यहाँ कर रही हूँ कल सुबह नाश्ते की तैयारी। और वो इसलिए क्योंकि हाउस हेल्प नहीं है एंड देर आर टू मैनी थिंग्स टू डू टू मैनेज रादर। ये बन रहा है रागी डोसा का बैटर, जो मैंने पहले रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने रेसिपी शेयर की है एंड आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द बैटर एंड फ्रिज में रख दूँगी ताकि सुबह उठ के मेरा काम आसान हो जाएगा। चटनी भी बना के रख दूँगी, धनिए की चटनी, नारियल की तो ख़राब हो जाएगी। सो आई एम मेकिंग धनिए की चटनी एंड रागी डोसा का बैटर, सो दैट सुबह नाश्ते की टेंशन ना हो कि नाश्ते में क्या बनाना है, तैयारी करनी है एंड ऑल दैट। सिर्फ डोसा उतारना रहेगा, विच विल बी ईजी फॉर अस टू मैनेज। सो बस इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। इसमें डाला मैंने रागी का फ्लावर, दैट इज़ रागी का आटा, सूजी एंड चावल का आटा एंड उसके बाद डाला जीरा, नमक, पिसी हुई काली मिर्ची, हींग एंड रफली चॉप्ड करी लीव्स और चॉप्ड कोरिएंडर। अब इसमें डालूंगी हरी मिर्च एंड वाटर एंड दैट्स इट। इसको एक थिन सा बैटर बना के फ्रिज में रख दूंगी, सुबह यूज़ हो जाएगा फॉर आर ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट इज सॉर्टेड। सो बस अब ये बैटर मेरा रेडी हो गया है। इसमें सुबह यूजुअली आई एड अनियंस इन दिस, सो इफ़ आई वॉन्ट अनियंस मैं सुबह ऐड कर लूँगी, अदरवाइज विदाउट अनियंस ऑल्सो वी कैन मेक। बस अब इसकी चटनी भी बना दूंगी एंड आई स्टोर इट इन द फ्रिज। सो जब तक सब्ज़ी रेडी हुई, यहाँ पे मैंने कल के नाश्ते की तैयारी कर ली एंड आई मेड द चटनी एंड द बैटर। बस आई विल स्टोर इट इन द फ्रिज। सो बस गाइस, कल के नाश्ते की तैयारी करने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ फुलके, रोटियाँ। और रोटी मैं गेहूँ के आटे की नहीं बना रही हूँ, दिस इज़ एक्चुअली ज्वार का आटा, विच इज़ वेरी वेरी गुड ड्यूरिंग समर्स। सो ज्वार हुआ, रागी हुई, ऑल दिस इज़ वेरी वेरी गुड। तो मैंने इसमें डाला नमक एंड घी, इसमें गेहूं का आटा मिक्स नहीं किया है, इट्स प्योर एंड प्योर क्या कहते हैं इसको, ज्वार का आटा।
ज्वार की आटे की रोटी कैसे बनती है इसकी रेसिपी भी मैंने पहले शेयर की है, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर किया है एज अ रील एंड वीडियो। और आटा मैं लगाती हूँ गर्म पानी से, गर्म पानी से नीड करने से रोटी बहुत इजीली हम बना पाते हैं, वी कैन रोल इट एक्चुअली, अदरवाइज हाथ से शेप करनी पड़ती है। बट अगर आप गर्म पानी दैट थोड़े से वार्म वाटर से अगर आप नीड करते हैं डो, तो आप हल्के हल्के हाथों से इसको रोल कर सकते हैं लाइक अ नॉर्मल चपाती, एंड देन यू कैन मेक योर चपातीज़, योर रोटीज़ वेरी वेल। ज्वार एंड रागी के आटे की रोटी बनाने का एक और बहुत ईजी मेथड है मेरे पास, आई विल डेफिनेटली शेयर दैट रेसिपी समडे। मैंने एक बार ठेचे की रेसिपी शेयर की थी विच इज़ अ महाराष्ट्रियन डिश, मिर्ची का कूटा बोलते हैं हम राजस्थान में, उसके साथ ज्वार की रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है। हाय दोस्तों, सो डिनर हो चुका है, डिनर के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्टडी रूम में, आप देख सकते हैं एंड देयर इज मेस ऑल ओवर यहाँ पे और यहाँ पे देयर इज मेस एवरीवेयर, और ये इसलिए बिकॉज आई एम रीऑर्गेनाइजिंग दिस रूम। मैं आपको दिखाती हूँ कबर्ड इसका, आई एम गोइंग टू रीऑर्गेनाइज दैट। ये एक कॉमन कबर्ड होता था जहाँ पे ये शेल्फ में सारे विपुल के टूल्स होते थे, ड्रिलिंग मशीन्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, यहाँ पे मेरी सुइंग मशीन एंड यहाँ पे योगा मैट्स एक्सेट्रा होती थी। ये दो शेल्फ बच्चों के होते थे टू कीप देयर बुक्स, स्कूल बैग, एवरीथिंग। बट नाउ वी आर शिफ्टिंग एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू क्लीन दिस कबर्ड एंड आई एम गोइंग टू रीऑर्गेनाइज। सो इस घर में फ्रेंड्स, आई डोंट नो वाई हमारा जो लैंडलॉर्ड है, ही इज़ गिवन ओनली वन कबर्ड इन एवरी रूम, बस इस रूम में ये दिस इज़ द पूजा रूम, अदरवाइज देयर इज जस्ट वन कबर्ड, बच्चों के रूम में एक कबर्ड, मेरे रूम में एक कबर्ड, मेरे रूम में एक छोटा कबर्ड अलग है दैट इज़ फॉर विपुल विच वी कस्टमाइज फॉर आफ्टर कमिंग हेयर, एंड अलग से गॉडरेज की अलमीरा है इन विच आई कीप ऑल आर वेडिंग वेयर एंड हैवी पार्टी वेयर एक्सेट्रा। सो अभी तक तो समहाउ मैनेज हो रहा था बच्चों का, बट नाउ एज एंड वेन दे ग्रो उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं एंड दे नीड मोर स्पेस, दे नीड मोर थिंग्स, सो विच इज़ वाई आई डिसाइडेड कि इस रूम का जो कबर्ड है उसको आई विल शिफ्ट एज धीर, आई विल ऑर्गेनाइज एज धीर का वार्डरोब, एंड बच्चों के रूम में जो वार्डरोब है वो आकृति का हो जाएगा। सो हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं धीर का वार्डरोब एंड दिस विल बी सच अ रिलीफ, बिलीव मी फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी इनका कबर्ड मेसी होता है ना, इनका ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, धीर ने किया, परी ने किया, धीर ने किया, परी ने किया। सो कोई एक्चुअल में ये नहीं बोलता है कि मेस किया किसने। नाउ सिंस द वार्डरोब्स विल बी डिफरेंट, आई विल नो कि कौन ज़्यादा साफ रखता है और कौन मेसी रखता है। सो विच इज़ वाई अब सब कुछ शिफ्ट होगा, पुरानी बुक्स एनीवेज किसी को दे दी जाएंगी, नई बुक्स के लिए जगह बनाई जाएगी, एंड धीर का दिस इज़ द टाइम, आकृति का शी इज़ कम टू एन एज जहाँ पे शी विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल चेंजेस इन हर बॉडी लाइक हाइट वाइज एंड वे हेल्थ वाइज, बट धीर गोज थ्रू दिस चेंज एवरी 6 months। सो मुझे एवरी 6 months, एक तो ड्यूरिंग दिवाली की सफाई एंड सेकेंड ड्यूरिंग समर ब्रेक, समर वेकेशन का जो ब्रेक होता है, मैं धीर का वार्डरोब चेंज करती हूँ, दैट इज़ उसके जो छोटे कपड़े हो गए हैं, जो पुराने हो गए हैं, उनको निकालती हूँ एंड देन आई शॉप अकॉर्डिंगली। सो नाउ सिंस इसका बर्थडे भी आ रहा है, आई विल हैव टू डू शॉपिंग धीर के लिए, सो आई थॉट दिस इज़ द राइट टाइम, कबर्ड चेंज करूँगी तो मुझे आइडिया भी हो जाएगा कितने कपड़े डिस्पोज करने हैं और कितने नए खरीदने हैं एंड ऑल दैट। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क हियर, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। धीर फटाफट खा ले और ये बुक्स अपनी निकाल ले, सारी टेक्स्ट बुक्स निकाल ले, पहल को देनी है। ओके, सो बाकी का आई विल डू, चल शुरू हो जाए। यहाँ पे इनके स्कूल बैग है, ये भी देखूंगी कौन सा पुराना हो गया, कौन सा रखने लायक है, कौन सा डिस्पोज करना है, नए खरीदने हैं तो आई विल डू दैट। सो सारा कुछ सेग्रीगेट करना है। सो गाइज, ये है वो गॉडरेज की अलमीरा जिसकी मैं बात कर रही थी, ये काफ़ी 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 पुरानी अलमीरा है और इसमें मैं रखती हूँ अपने सारे पार्टी वेयर और मेरे, हम चारों के, इनफैक्ट हम चारों के जो वेडिंग वेयर हैवी कलेक्शन है वो सारे इसमें होते हैं, और जो रूम के वार्डरोब्स हैं उनमें हमारे डेली वेयर होते हैं। धीर इज सुपर एक्साइटेड बिकॉज उसको अपना एक कबर्ड चाहिए, है ना धीरू?
मैं आपको ये वाले बॉक्स दिखाती हूँ गाइस। ये जो बॉक्स है ये सारे ताज से जब खाना आता है कोलैब की तरफ से, ये कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर एनिवर्सरी, जब हमारी एनिवर्सरी पे ताज ने खाना भेजा था, ये तब का है। और ये सारे मैंने खाली डब्बे हैं ये मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से बहुत सही रहते हैं एंड वी कैन कवर देम, पेंट देम एंड डू एनीथिंग। ये मेरे पास काफ़ी सारे हैं सो आई विल यूज़ देम फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टफ नाउ। निकाल बेटा सारे टूल के, टूल बॉक्स पापा के सारे निकाल दें। या ओके वेलकम। चलो गाइज मैं ये निपटाती हूँ फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। कैन यू बिलीव फ्रेंड्स, मेरे पास इतनी सारी राखियाँ हैं इतने सालों से जो मेरी सिस्टर इन लॉज ने भेजी हैं, वो सारी मैंने संभाल के रखी हुई थी। अभी मैंने सेग्रीगेट की कि कौन सी अच्छी है, जो ख़राब हो गई वो सारी अलग की, जो अच्छी है वो अभी भी नहीं फेंक रही हूँ। इट्स जस्ट दैट इतने सालों से मेरी सिस्टर इन लॉज भेज रही हैं तो जो भी है मैं संभाल के रखती हूँ। सो आई यूज़ दिस बॉक्स टू स्टोर दोज। और जो ख़राब हो गई हैं, जो बिल्कुल ब्लैक हो गई हैं रखी, उनको सब अब डिस्पोज कर रही हूँ। सो मैनी माई गुडनेस। सो धीर का शेल्फ इज स्लोली कमिंग टुगेदर। ऊपर मैंने रखे हैं उसके सारे बोर्ड गेम्स एंड अदर स्टफ। और नीचे यहाँ आ रहे हैं उसके डेली वेयर क्लोथ्स, और यहाँ पे उसका होगा उसका बुक शेल्फ, और नीचे कुछ और स्कूल रिलेटेड स्टफ। बट बाकी देखिए फ्रेंड्स, अभी बहुत मेस है कमरे में। आई डोंट नो कब तक मैं ये क्लीन कर पाऊँगी, क्योंकि वो सारा वो सामान है जो ऑलरेडी इतने बड़े कबर्ड में रहता था। अभी तो इसकी बुक्स एग्रीगेट कर दी है मैंने, जो किसी को देनी है वो, एंड एम्प्टी नोटबुक्स एक्सेट्रा। सो आई थिंक इन एन आवर आई विल बी एबल टू कम्प्लीट दिस वर्क। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई एंड दिस व्लॉग हियर। आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग इट। इफ सो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू टुमारो ऑन अ न्यू डे विद अ न्यू व्लॉग। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।